हाय दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि स्क्रीन रिकॉर्ड करते वक्त आप जो स्क्रीन को जूम आउट जूम इन करते हैं और मार्कर से कोई निशान लगाते हैं, दायरा बनाते हैं, तो वो कैसे करते हैं। तो आप अपनी साइट पे जाएंगे, साइट पे जाकर आप यहाँ पर लिखेंगे जूम इट। ये लिखने के बाद ये पहला जो लिंक आया हुआ है इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ डाउनलोड बटन दबा देंगे। तो मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आप जिप फाइल आपके पास आ जाएगी, तो आप जिप फाइल को जो है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। मैंने एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, ये रहा। और ये वाला जो exe आपको नज़र आ रहा है, ये 64A है ना, तो इसकी जगह पे आपके पास होगा ये वाला, ठीक है, जूम इट 64, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। इसको उठाकर आप डेस्कटॉप पे रख दें, डेस्कटॉप पे रख दें और इसको आप ओपन कर लें, ठीक है। जब ओपन करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी। इसमें आपने की देखनी है अपनी, जैसे कि हमने देखना है कि जी ये ड्रॉ किससे होगा। ड्रॉ होगा कंट्रोल दबा के, दो दबाएंगे आप तो ये ड्रॉ करेगा, ठीक है। और आपको जूम करना है तो आप कंट्रोल दबा के एक दबाएंगे तो जूम करेगा। और ये नीचे आप दे दें कितना भी जूम करना है आपको, मेरे ख्याल में ये भी बहुत है, ठीक है। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। और स्क्रीन रिकॉर्डर आप कोई भी इस्तेमाल कर लें, मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ ओकैम, ये कोई भी इस्तेमाल कर लें, इसका प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अब मुझे कुछ लिखना है किसी को, मैं बता रहा हूँ, तो मैंने कंट्रोल प्लस टू दबाया तो अब मुझे ये देखें, ये दायरा मैंने बना दिया, ठीक है। अब ये हमें बनाना है रेक्टेंगल में, तो हमने ये बना दिया, ठीक है। अब इसको ख़त्म करना है तो हम क्या करेंगे, ESC दबाएंगे, ये ख़त्म हो गया। अब हमें जूम करना है तो हम कंट्रोल 1 दबाएंगे, ठीक है। तो ये देखें बड़ा हो गया। अब आप अपना कर्सर जो है वो जहाँ कहीं लेके जा रहे हैं, लेफ़्ट क्लिक माउस का दबा के रखेंगे तो ये वहीं रुका रहेगा, और जो आपने बताना है किसी को स्क्रीन पे तो बताते रहें, और छोड़ देंगे तो फिर ये जूम जो है दाएं बाएं पैनिंग करेगा। और इससे भी निकलने का तरीका, कीबोर्ड से ESC दबा देंगे तो ये सब ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।